हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ गोरखपुर चिड़ियाघर घूमने। सो गाइस, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ गोरखपुर के चिड़ियाघर में, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और वहाँ पे क्या क्या है मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी। तो गाइस, बने रहिएगा वीडियो के साथ। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, चलिए चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं गोरखपुर जू का बाहर से लुक कैसा दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो गाइस, ये एंट्री गेट है, हम यहाँ से अंदर जाएंगे। सो गाइस, एंट्री कर चुके हैं और इस जू का पूरा नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पड़ता है पार्किंग, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ की पार्किंग काफ़ी बड़ा है और अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है, हम लोग दोपहर के टाइम आए हैं क्योंकि जू की टाइमिंग है 9 to 4, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। सो गाइस, चलिए अंदर चलते हैं और सबसे पहले टिकट लेते हैं। तो गाइस, ये है टिकट काउंटर और यहाँ टिकट का प्राइस है 50 rupees पर पर्सन अडल्ट के लिए, और टीनेजर के लिए है 25 rupees पर पर्सन। सो गाइस, यहाँ पे जब भी आइएगा मास्क जरूर लगाए रहिएगा, वरना एंट्री नहीं मिलती है और इससे आपकी भी सेफ्टी है, तो मास्क मत भूलिएगा लगाना। तो गाइस, हम लोगों ने टिकट ले ली है, अब चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे टिकट चेक होता है, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है ये मैप है, ये चिड़ियाघर का फुल मैप दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पर बनी हुई हैं। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है गाइस, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैप दिया हुआ है। तो गाइस, फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हैं अंदर से इसका लुक, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे फोटोशूट वगैरह के लिए भी आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फोटोज आएंगी। काफ़ी अच्छा व्यू है, आप देख सकते हैं, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आपको स्टार्टिंग में ही वॉशरूम मिल जाएगा और यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज मुझे कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, और अगर आपका पैदल घूमने का मन नहीं है, आप थक जाते हैं, तो आप इस गाड़ी से घूम सकते हैं, पूरा जू फटाफट घूम लेंगे। बट मैं तो पैदल घूमूंगी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है और आपको भी तो सारी चीज़ें दिखानी है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए अंदर भी मैप दिया है, यहाँ पे देखिए जानवर के नाम लिखे हुए हैं, अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे। धूप लग रही है, स्माइल कर दिया वो सोना। सो गाइस, ये तो खाली है, यहाँ पे तो जानवर कोई नहीं दिख रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये है देसी तोता। सो गाइस, आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्यारे से तोता दिख रहा है, प्यारा है, मुझे तो बहुत ही पसंद है तोता।
ये देखिए यहाँ पे इनके खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटे छोटे मटके लटकाए गए हैं। काफी अच्छा बनाया गया इनका घर। तो गाइस ये है लव बर्ड्स। गाइस आप देख सकते हैं छोटे छोटे से दिख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है बजरी घर। गाइस आप देख सकते हैं छोटे छोटे से उड़ रहे हैं। ऊपर देखिए दो बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं सब। तो गाइस ये है कॉकटेल। ये देखिए ये भी ऊपर बैठे हैं छुपके। तो गाइस ये है पूरा बर्ड वाला एरिया। तो गाइस इधर देख सकते हैं आप बगुला है जो मछलियों का शिकार करता है। देख सकते हैं आप इसकी चोंच कितनी लंबी है। ये बहुत ही चालाक जानवर होते हैं। तो गाइस आप यहाँ भी देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से बैठे हुए हैं सब। काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। गाइस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ चेंज लग रही है, बट कोई नहीं। आप लोग वीडियो एंजॉय करिए और इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं रील्स बनवा रही थी, मौसम थोड़ा सा सही हो गया था, धूप थोड़ी कम हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आप कितनी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। और अभी तो हम लोग को बहुत लंबा घूमना है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा है पार्क। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी दूरी पे एक बंदर दिख रहा है। देखिए गाइस कैसे बैठा हुआ देख रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, कितना प्यारा व्यू है। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे दिख रहा है लंगूर, देखते हैं लंगूर दिखता है कि नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं कैसे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है लंगूर, अंगूर की तलाश में है। तो गाइस ये है भालू। तो गाइस आप देख सकते हैं अंदर एक छुप के बैठा हुआ है भालू। ज़्यादा जानवर दिख नहीं रहे गाइस क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो सब अंदर ही बैठे हुए हैं छुप के। गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंदर बैठा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे बीचों बीच में भी वॉशरूम बना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ दिया है। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं फ़ोटो शूट करवा रही हूँ यहाँ पे। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति बनी हुई है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हिरन बना हुआ है जिसपे बाबू को बैठाए हैं हम लोग, उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। बाबू को मेरे काफी धूप लग रही है इसलिए वो भाग रहा है। तो गाइस ये वाला एरिया काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस, आप
देख सकते हैं कितना रंग बिरंगा है। मैं तो काफी इंजॉय कर रही हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी यहाँ पे जरूर आइएगा घूमने, बहुत ही अच्छे जगह है घूमने के लिए। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम लोग आगे आ गए हैं। अब थोड़े थोड़े जानवर देखने को मिल रहे हैं, अभी ज़्यादा जानवर लाए भी नहीं गए हैं, धीरे धीरे सब लाएंगे क्योंकि ये नया बना हुआ है अभी, इसी वजह से वो धीरे धीरे सारे जानवर आएंगे। तो गाइस यहाँ पे तो ये खाली है, चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस ये है भारतीय गैंडा। गैंडा कहाँ छुप के बैठे हो, दिख जाओ। तो गाइस गैंडा भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ है। तो गाइस ये है लकड़बग्घा, आई होप ये देखने को मिल जाए। तो गाइस ये भी नहीं दिख रहा है, धूप की वजह से सारे जानवर छिप के बैठे हैं। तो आप लोग जब भी आइए जब धूप कम हो। तो गाइस आप लोग नवंबर दिसंबर के महीने में आइए तो सारे जानवर आपको बाहर मिलेंगे देखने को। तो चलिए यहाँ पे तो जानवर नहीं दिखे, चलिए आगे चलते हैं। गाइस ये है सियार, आप देख सकते हैं इतनी दूर दिख रहा है छोटा सा, वो भी अंदर जा रहा है, वो भी छिपने की कोशिश कर रहा है। ए सोना देखो बेटा उधर देखो, कहते हेलो गाइस। तो गाइस अंदर ये कैंटीन बना हुआ है जो कि बंद था। तो गाइस ये है जंगल कैट। गाइस कैट भी नहीं दिख रही है, ये भी छिपके बैठी हुई है, या हो सकता है अभी कैट लाया ना गया हो। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबू को कितना एंजॉय कर रहा है, कितने आराम से बैठा हुआ है। तो गाइस ये है तेंदुआ, बहुत ही भयंकर दिख रहा है। तो गाइस ये देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस ये है बाघ, तो देखते हैं बाघ देखने को मिलता है कि नहीं। तो गाइस ये देखिए बाघ कैसे घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, ओए। तो गाइस ये देखिए बाघ यहाँ पे चलते चला आया है अपने घर में, ये देखिए गाइस। सो गाइस चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस ये है दरियाई घोड़ा, देखिए कैसे पानी में नहा रहा है ये, इसका हम लोगों ने बहुत वेट किया, ये बाहर ही नहीं निकल रहा। गाइस ये बहुत देर से पानी में बैठा हुआ है, ये देखिए शायद अब निकलेगा ये।
बहुत ही आलसी जानवर है। गाइस आप देख सकते हैं ये बाहर आ रहा है। गाइस ये देखिए बहुत ही भयंकर दिख रही है। घड़ियाल, तो गाइस ये है घड़ियाल। कहाँ है घड़ियाल? गाइस ये देखिए यहाँ पे ये सो रहा है बहुत ही आराम से। गाइस ये बहुत ही खतरनाक है, तो यहाँ पे बैठना और खड़ा होना मना है। गाइस ये है मगरमच्छ, आप देख सकते हैं कहाँ है मगरमच्छ। गाइस आप देख सकते हैं वहाँ पे एक सोया पड़ा हुआ है। ये देखिए सभी जानवर सो रहे हैं इस टाइम। तो गाइस ये है सेई, ये भी चूहों की तरह बिल में ही रहते हैं और इनके आगे के दांत दो बड़े बड़े होते हैं। अब देख सकते हैं ये भी चीज़ों को कुतर कर ही खाते हैं। देख सकते हैं कितने सारे छेद किए हुए हैं, इसी में छुप कर बैठे हुए हैं सब। और गाइस इनके ऊपर जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं, अगर ये किसी भी जानवर को चुबा दें तो वो जानवर तुरंत मर जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं देखने को, मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगी, तो सेकेंड पार्ट कल ज़रूर आएगा। तो आई होप आप लोग ने ये वीडियो एंजॉय की हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।